अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे हाउ टू मेक चेंजेस टू लिस्टिंग्स इन बल्क यूजिंग अ फ्लैट फाइल। कि अगर हम फ्लैट फाइल से अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं और उसमें हमें कोई चेंजिंग्स करनी हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब उस फ्लैट फाइल में हमें कोई चेंजिंग्स करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, हर चीज़ ही बहुत इजी है, बस टाइटल से देख के परेशान हो जाता है बंदा जो पहली दफ़ा सीख रहा होता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, इसमें रट्टा लगाने वाली कोई बात नहीं है। प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क में हमेशा ही इंसान को मज़ा आता है। जस्ट एज वी लर्न इन द प्रीवियस ट्रेनिंग, द फ्लैट फाइल इज यूज फॉर मेनी सिचुएशंस। वी प्रीवियसली वेंट ओवर हाउ टू यूज इट टू क्रिएट न्यू लिस्टिंग्स फॉर एपेरेंटेजेस। वी विल नाउ डिस्कस हाउ वी कैन यूज इट टू मेक चेंजेस टू करंट लिस्टिंग्स इन बल्क। दिस इज इसेंशियली द सेम प्रोसेस बट वी विल बी अपडेटिंग द स्पेसिफिक फील्ड्स वी वॉन्ट टू चेंज। अब क्या स्टेप्स हैं कि आप सबसे पहले जाएंगे एड प्रोडक्ट्स या अपलोड पे, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे जिस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट फॉल करती है, एंड देन आप टेम्पलेट टैब भी जाएंगे, फिल इन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो भी रेड कलर में हाईलाइट होती है विद द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द एसिन। क्योंकि आप जस्ट चेंजिंग्स करने आए हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन एसिन के साथ ऑलरेडी उस फाइल में मौजूद है, आपने जस्ट उसमें चेंजिंग्स करनी है। आपने देखना है कि आप किस एसिन की चेंज करने आए हैं, आप उस एसिन पर जाएंगे। यू विल नीड टू इंश्योर द फील्ड यू डोंट वॉन्ट टू चेंज आर द सेम एज एज अ करंट इंफॉर्मेशन। यू विल ओनली बी अपडेटिंग द सेक्शन यू वॉन्ट टू अपडेट। आपने बाकी इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, आप डायरेक्टली उस टैब पे जाएंगे जिसको जिसमें आप कुछ चेंजिंग्स करने आए हैं। ठीक है, आप उस सेक्शन पे जाएंगे जिसपे आप अपडेट करना चाहते हैं, जिसको कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं। अपडेट विद द चेंज यू वांट। इफ वी वर अपडेटिंग बुलेट पॉइंट्स फॉर अ पेरेंटेज वी वुड फिल इन ऑल द लाइव इंफॉर्मेशन देन अपडेट द बुलेट पॉइंट सेक्शन विद द न्यू टेक्स्ट। मसलन अगर आप फ्लैट फाइल में अपने बुलेट पॉइंट्स को चेंज करने जाते हैं तो आप वहां जाएंगे जो वहां पे इंफॉर्मेशन दी होगी, ऑलरेडी कुछ ना कुछ पहले ही फिल किया होगा, आप उसमें चेंज करेंगे और अपना नया टेक्स्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने अपडेट डिलीट को पार्शियल अपडेट पर सेलेक्ट करना है। आप जितनी दफा भी अपनी फ्लैट फाइल खोलेंगे और उसके अंदर चेंजिंग्स करना चाहेंगे या उस फ्लैट फाइल को अपलोड करना चाहेंगे, आपने अपडेट डिलीट को पार्शियल अपडेट पे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ये प्रीवियस टॉपिक में जब मैंने आपको फ्लैट फाइल समझाया था तो मैंने बहुत ज्यादा जो था इस बात ये बात आपको समझाई थी कि बी श्योर आफ्टर चेंजिंग इन फ्लैट फाइल के आप अपडेट डिलीट को पार्शियल अपडेट में चेंज करें, अदरवाइज यू मे वाइप आउट द अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा अगर आप अपडेट डिलीट ही रहने देंगे और फ्लैट फाइल को सेव कर देंगे। ठीक है, फ्लैट फाइल को अपलोड कर देंगे, चाहे आप पहली दफा फ्लैट फाइल आए हैं, आपने बनाई है, ठीक है, और उसको आप अपलोड करने जा रहे हैं, तो आपने लाजमी अपडेट डिलीट ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली अपडेट डिलीट सेलेक्ट हुआ होगा। आप ये ना सोचें कि आपने लास्ट टाइम पार्शियल अपडेट किया था तो जब आप दूसरी दफा फ्लैट फाइल को ओपन कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजिंग्स कर रहे हैं तो वो पार्शियल अपडेट ही होगा, नहीं, वो दोबारा अपडेट डिलीट पर चला जाएगा। ठीक है, तो आपने उसको चेंज करना है पार्शियल अपडेट में। आप लोग बच्चे नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अब समझ आ जाएगा, ये गलती कभी नहीं करनी। आफ्टर यू आर डन फिलिंग इन ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड एडिटिंग द फील्ड यू वॉन्ट टू अपडेट यू विल सेव एंड अपलोड द फाइल। आप सिंपली उसको सेव करेंगे एंड अपलोड कर देंगे उस फाइल को। अगर आप उसे ट्रैक करना चाह रहे हैं कि जो भी आपने अपलोडिंग की है, जो भी आपने चेंजिंग्स की हैं, वो सक्सेसफुली अपलोड हुई हैं या नहीं, यू कैन गो मॉनिटर अपलोड स्टेटस। वहां पे जाके आप अपनी पर जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं अपनी फाइल का। फ्लैट फाइल्स हैव मेनी डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी दैट यू चूज। आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, जिस तरह की कैटेगरी होगी उसकी डिफरेंट फॉर्म होगी फ्लैट फाइल की उसके रिलेटेड। दिस इज ग्रेट फॉर एडिंग मल्टीपल चाइल्ड एसिन एट वंस बट ऑल्सो अपडेटिंग स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ लिस्टिंग एट वंस। ऑलवेज मेक श्योर यू चूज पार्शियल अपडेट सो यू डोंट वाइप यूअर इन्वेंट्री आउट। अगेन मैंने आपको रिमाइंडर करवाने के लिए यह पॉइंट एड किया है लास्ट में भी कि आपने पार्शियल अपडेट को चूज करना है वरना आपकी इन्वेंट्री जो है वो वाइप आउट हो जाएगी।
तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि अगर आप फ्लैट फाइल को अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, फ्लैट फाइल में आपको बुलेट पॉइंट्स में कुछ चेंजिंग्स करनी है, वो टेक्स्ट आपने ठीक नहीं डाला, आपको कोई नया टेक्स्ट डालना है, आपको कोई इमेजेस चेंज करनी है, या आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, टाइटल चेंज करना है, तो आप फ्लैट फाइल पर जाएं, बाकी तमाम चीज़ों के साथ छेड़ाछेड़ी ना करें, अपने एसिन को देखें जिसके आप चेंजिंग्स करने आए हैं फर्स्ट स्टेप, एंड द सेकेंड स्टेप आप उस टैब पर देखें, उस सेक्शन पर जाएं जिसको आप चेंज करने आए हैं, ठीक है, उसको चेंज कर लें, आपका काम फ्लैट फाइल से खत्म हो गया, एंड देन मूव टू पार्शियल अपडेट, ठीक है, सेलेक्ट करें पार्शियल अपडेट को और फिर देन आप उसको सेव करें और अपलोड कर दें, उसके बाद आपने उसका स्टेटस चेक करना है तो आप मॉनिटर पे जाके, मॉनिटर अपडेट स्टेटस पे जाके अपनी फाइल का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने चेंजिंग्स की हैं वो अपडेट हो चुकी हैं या नहीं, ठीक है, थैंक यू।